लाओत्सु या लाओत्से प्राचीन चीन के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे जो ताओ ते चिंग नाम के मशहूर उपदेश लेखक के रूप में जाने जाते हैं। उनकी विचारधाराओं पर आधारित धर्म को ताओ धर्म कहते हैं। लाओत्सु एक सम्मान जतलाने वाली उपाधि है जिसमें लाओ का अर्थ आदरणीय वृद्ध और सु का अर्थ गुरु है। चीनी परंपरा के अनुसार लाओत्सु 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में झऊ राजवंश के काल में जीते थे। तो आइए आज ऐसे महान दार्शनिक ज्ञानी के अनमोल व प्रेरणादायी विचारों को सुनते हैं। चीजों को संभालने में अक्सर लोग सफल होते होते असफल हो जाते हैं। यदि कोई अंत में उतना ही सजग रहे जितना कि वो आरंभ में था तो वह असफल हो ही नहीं सकता। कठिन कामों को तब करें जब वे आसान हों और महान कामों को तब करें जब वे छोटी हों। हजारों मीलों की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। जब आप सहर्ष वही बने रहने पर राजी होते हैं जो आप हैं और तुलना प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ते हैं तो सभी आपका सम्मान करते हैं और आपको इज्जत देते हैं। इंसान के दुश्मन राक्षस नहीं होते बल्कि उसी तरह के इंसान होते हैं। जो दूसरों पर नियंत्रण करता है वह शक्तिशाली होता है, लेकिन जो खुद पर नियंत्रण करता है वह ज़्यादा ताकतवर होता है। कोई भी चीज़ पानी से ज़्यादा नर्म और लचीली नहीं हो सकती, फिर भी कोई भी ताकत पानी को रोक नहीं सकती। स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है, आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है, अस्तित्व ही ना होना सबसे बड़ी खुशी है। अगर आपको कोई शिद्दत से प्रेम करता है तो यह आपको ताकत देता है, और अगर आप किसी से शिद्दत से प्रेम करते हैं तो यह आपको अदम्य साहस देता है। आपके अस्तित्व के केंद्र में इन सवालों का जवाब मौजूद होता है कि आप कौन हैं और आप क्या चाहते हैं। अगर आप दिशा नहीं बदलते तो शायद आप वहीं पहुंच जाएंगे जिधर आप बढ़ रहे हैं। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो पहले देना सीखो, यही बुद्धिमानी की शुरुआत है। ये समझ लेना कि आप नहीं समझ रहे हैं गुण, ये नहीं समझ पाना कि आप नहीं समझ रहे हैं दोष है। जो अपनी ही बात पर अड़ा रहता है उसे कम ही लोग समर्थन में मिलते हैं। कटोरे को ज़्यादा भरने से वो छलकने लगता है, और अपने चाकू पर भी जरूरत से ज़्यादा धार लगाने से वो घातक हो जाता है। जो खुद पर विश्वास रखता है वही खुद को प्रकाशित कर पाता है। अगर आप ये जान जाते हैं कि सब कुछ बदल सकता है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप मृत्यु से नहीं डरते तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आप नहीं पा सकते। आप ज्ञान पाना चाहते हो तो हर दिन सीखें। अगर आप अच्छे बनना चाहते हो तो हर दिन खराब बातें भूल जाएं। किसी से गहरा प्यार होना आपको ताकत देता है, बल्कि किसी से गहरा प्यार करना आपको हिम्मत देता है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो पूरी दुनिया आपको स्वीकार करती है। जिनके पास ज्ञान का भंडार है वो कभी भविष्यवाणी नहीं करते, जो भविष्यवाणी करते हैं उनके पास ज्ञान नहीं है। शब्दों में दयालुता आत्मविश्वास लाती है, सोच में दयालुता गुणता लाती है, दान में दयालुता प्रेम बढ़ाती है। दूसरों को जानना बुद्धिमता है, स्वयं को जानना ही सच्चा ज्ञान है। दूसरों को माहिर करना ताकत है, खुद में महारत हासिल करना ही सच्ची शक्ति है। जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहो, चीज़ें जैसी हैं उनमें आनंदित रहो। जब तुम इस बात का एहसास कर लेते हो कि तुम्हारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है, आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। यदि कोई आखिर में उतना ही सजग रहे जितना कि वो शुरू में था तो कोई असफल नहीं होगा। तुम्हें सिखाने के लिए मेरे पास 3 बातें हैं, सादगी, धैर्य और दया। यह तीनों आपके सबसे बड़े खजाने हैं। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया है। तो आपसे निवेदन है कि अंगूठे वाला बटन दबा के इसे लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना कि वीडियो आपको कैसी लगी। दूसरा, अगली वीडियो किस प्रकार की देखना चाहेंगे और किस टॉपिक पर, जरूर बता के जाना। बाकी अपने दोस्तों और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दूसरा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और ऐसे ही हमारे चैनल पर मोटिवेशनल स्टोरीज, जिंदगी बदलाव से संबंधित हाई पावर मोटिवेशनल वीडियो व प्रेरणादायी बातें और महान लोगों के अनमोल विचार सुनते रहें और अपने अंदर के मोटिवेशन को हमेशा जगाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।